हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गंगा सागर ब्लॉग। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ें बैठी हुई है, तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। और आज मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूं, यानी कि मैं आया हूं अभी भैया की गिफ्ट सेंटर की दुकान में। और आज मैं आपको जो है गिफ्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताऊँगा कि मतलब अपनी जैसे एक्स गर्लफ्रेंड है और कोई नई नवेली है उसको, या फिर अपनी बीवी को या फिर पड़ोसी को, किसी को क्या गिफ्ट दिया जाए। तो ये आपको जो है इसकी जानकारी पूरी भैया देंगे, और भैया से मैं पूरी जानकारी लेता हूँ कि आखिर में किसको क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो अब मैं जो है बात, तो जैसा कि अब मैं भैया से पूछता हूँ कि भैया, जैसे हमें, मानो मैं एक कुंवारा लड़का हूँ और मुझे, हाँ मुझे कोई, नहीं नहीं मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, अब मैंने उसको पहली बार कोई गिफ्ट देना है, तो मैं उसको क्या दूंगा? देखिए, अगर आप भाई कुंवारे हैं, हाँ, और आपको लड़की पसंद आ गई, हाँ, तो अगर आप गए डायरेक्ट बोलने तो पिटा जाएंगे आप, हाँ, तो भाई देखिए इसके लिए आपको एक प्लान चलना पड़ेगा, हाँ, तो भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझसे उसकी बोलचाल बढ़े, हाँ, तो और उसको बोलचाल को बढ़ाने के लिए तो सबसे बढ़िया गिफ्ट आइटम आज के मतलब कि हमारे भारत में बहुत प्रचलित है और देवी देवताओं में बहुत प्रचलित है, जो कि प्यार का जिसको प्रतीक माना गया है, तो आप सबसे पहले देखिए हमारे गाना रखे हैं। अच्छा अच्छा, हमारे पास गाना बड़े स्टाइल में भी है और छोटे में भी है। ठीक ठीक, तो आप देखिए ये बालक बाल रूप में है, और बाल रूप आप जानते ही हैं कितना मनमोहक होते हैं, किसी को भी मोह लेते हैं आराम, जब जब मतलब वो इसको देखे कान्हा को, बस तो वो आपको याद करे, हमको याद करे। ठीक ठीक, किसी ने हमको दिया ये बाल रूप, आपके बहुत काम आएगा, मतलब फर्स्ट टाइम उसके लिए। और उसके बाद सेकंड टाइम में क्या दिया जाए? अब देखिए भाई, तो शुरुआत आपकी बन गई कि भाई अब आपके बारे में सोचा जाने लग गया कि हाँ भाई तो सोचा जा रहा है, तो अब दूसरा स्टेप जो आप उठाएंगे, तो हाँ, जैसे हमारे के फ्रेम लगे हैं, तो फ्रेम में कई सारे फ्लावर वगैरह लगे हैं, लेकिन आप उसमें काम कर सकते हैं कि अगर एक छोटी सी कोई प्यारी सी झलक उनके अगर कोई आपको मिल जाए, हाँ, आप उसको फ्रेम करा के उनको दे दीजिए। ठीक हो गया, तो जब वो झलक आपको मतलब कि उनको लगेगा कि हाँ कि वो हर चीज की मेरे को वॉच कर रहे हैं, हाँ, तो उनका मन थोड़ा सा और आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा? मैं भाई, अब तो आपका भाई देखिए दिल आ गया है, दिल आ गया, दो स्टेप आप आगे बढ़ चुके हैं, तीसरा स्टेप जो फाइनल स्टेप होता है, तो सबसे पहले आज देखिए हमारे मार्केट में बहुत सारे गुलाब चल रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन गुलाब में भी कई सारी वैरायटीज हैं। अब जैसे एक वैरायटी नॉर्मल वैरायटी आती है, जैसे आप देखिए तो नॉर्मल वैरायटी, तो कोई मजा नहीं आने वाला है, आप स्टार्टिंग कर सकते हैं नॉर्मल वैरायटी से कि आपने पहला रोज दिया दे दिया। ये हमारे पास और वैरायटीज है, और ये देखिए हमेशा साइलेंट मोड में रहता है। अब देखिए इसमें एक बटन भी पुश करिए, गुलाब बोलता भी है, अगर आपको कुछ इसको बोले डर लगता है उससे कि हाँ कि भाई मैं अपने मुंह से बोलूंगा कहीं पिटा ना जाऊँ दिक्कत हो जाएगी, तो एक ऐसा गुलाब मार्केट में है कि जैसे ही बटन पुश करेगा तो बोलेगा I love you. तब देखिए, तो ये आपका तीसरा स्टेप जो फाइनल स्टेप होगा, लेकिन आप अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, एक गुलाब के थ्रू आपने संकेत अपना भेजिए। पुराने जमाने में कबूतर लेके जाते थे ना, चिट्ठी पत्री जो भी होती है, तो वही चीज समझिए। आप तीसरा स्टेप बन गया आपका, चलो ठीक है, ये तो खैर आप, चलो हम आगे की बातचीत तो मैं कर ही लूंगी, हम ऐसी बात नहीं है, वो तो फिर हमें खुद ही एक्सपीरियंस इसका है। तो अगला जो स्टेप है मेरा, जैसे मानो कोई हमारी एक्स गर्लफ्रेंड है, मानो अब उसको हमने कुछ देना है, उसको क्या दिया जाए? ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन आप दोबारा से कंटिन्यू मोड पे उसको लेके आना चाहते हैं? नहीं, कंटिन्यू मोड पे हम नहीं लाना चाह रहे, हम चाह रहे कि मतलब जैसे उसका बर्थडे है तो बर्थडे में उसको कुछ यादों के तौर पर दे दिया जाए। देखिए फिर हमारे सबसे बड़ा शांति का प्रतीक है, और ये कहा जाता है कि भारत में जो हमारे बुद्ध जी हैं, बुद्ध जी हैं वो शांति के प्रतीक हैं, तो आप ये बुद्ध उनको दे सकते हैं, ये देखिए देख लिया, हाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, दिख रहा है, तो आप उनको चीज दे के ये कह सकते हैं कि भाई जो अब तक अशांति आपने हमारे जीवन में फैलाई थी, आप जहाँ गई है शांति फैलाई, शांति फैलाई, मतलब आप इनको शांति का प्रतीक दे सकते हैं। चलो बढ़िया। और वैसे आप जैसे कि मानो मैं अपनी वाइफ को देना चाह रहा हूँ, मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो हमारे यहाँ देखिए शादीशुदा लोग जब अगर पत्नियों को गिफ्ट देना है, तो बहुत बड़ा और अनोखा गिफ्ट है, जो कि मतलब कि जल्दी मार्केट में जल्दी मिलता नहीं, मिलता भी नहीं है। तो भैया ने हमारे यहाँ दो मटके रखे हुए हैं मिट्टी के, हाँ बिल्कुल रखे हैं भैया, दिखाई दे रहे लाल कलर के दो मटके दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अगल में मिट्टी के बर्तन भी रखे हैं, बिल्कुल, बस अब वो मटका दे दीजिए। अच्छा, और मटका आपके धर्म पत्नी को आराम से जाके सबने दो चार गुलाब भी लगा दीजिए मटके में, दे दीजिए, तो उससे क्या होगा कि जब कोई आगे एक घटना घटित होगी तो मटका आपके सर पर फोड़ देंगे। हाँ, तो मतलब ये गिफ्ट हमारे लिए है, मतलब कहीं घर में अगर थोड़ा अशांति हुई, शांति हुई तो बस इधर मटका आपके लिए है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये हमारे यहाँ पत्नियों के लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट है, बढ़िया गिफ्ट है। चलो ये बहुत अच्छी बात है, आजकल ऐसे भाई मेरा बर्तन काम नहीं है, तो मैं बेलन और चकला आपको प्रोवाइड करा देता, हाँ बिल्कुल प्रोवाइड करा देता, नहीं नहीं आपको नीचे है, आपको नीचे हो। और भैया वैसे मैं एक चीज़ और आपसे पूछना भूल गया था, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे हमारी कोई पड़ोसी है
और हम पड़ोसियों को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो वैसे क्या दे सकते हैं? अच्छा, पहले आप मुझे सवाल होते जवाब। हाँ हाँ, आपके पड़ोसी भी कोई है बढ़िया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मगर एक बात कह रहे हैं तो बताइए। अरे ये बात नहीं है, मगर एक बात पूछ रहे हैं ना हम, तो लोगों के लिए। हाँ हाँ, लोगों के लिए जो है मतलब सवाल जवाब हमारे हैं, और हम तो एक सवाल जवाब दोनों आप ही बन रहे हैं। हाँ हाँ, तो हम जब पूछना चाह रहे हैं आपसे, आप बताइए, आपको बहुत एक्सपीरियंस है इन चीजों का। बहुत बढ़िया गिफ्ट है, दिल दे सकते हैं। चलो ग्यारह दिल ना देगी, ग्यारह दिल तो देगी बिल्कुल, क्योंकि ग्यारह दिल तो एक ही जगह गया है, वो तो बदलेगा नहीं। और अगर बदलना है तो फिर मटका तैयार हुई है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी ये ब्लॉग जो है हमारी पत्नियों ने नहीं देखा है, और इसको हमने जो है चोरी छिपे हमने जो है शूट किया हुआ है, और जब ये देखेंगे तो शायद दोनों के जो है बेलन पड़ेंगे घर में पक्का। आपके तो मटका फूटेगा ही फूटेगा। और भैया तो दूर है समय। अरे नहीं, आप मटका मेरे पर भी फूटेगा, दो चार दिन बाद जाने वाले हैं घर को, तो फिर मटका आपके ऊपर भी फूटेगा। तो आपको कैसा लगा हमारा गिफ्ट जरूर बताएं। वैसे देख सकते हैं बर्थडे गिफ्ट है, काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट है यहाँ पे, आई लव यू वाला गिफ्ट दे सकते हैं ये अगर कोई भाग गई है दिल को, तो और भी काफी गिफ्ट है यहाँ पे। देखिए टैडी दे सकते हैं, आजकल जो है ज्यादा प्रचलन टैडियों का है, टैडी दे सकते हैं। और जैसे ये देखो डॉगी है, ये आपके घर की रखवाली करेगा, ये भी दे सकते हैं। कछुआ है, ये भी दे सकते हैं, धन की बरसात करेगा घर में। और भी काफी गिफ्ट हैं आप दे सकते हैं। तो आज के लिए हमारे ब्लॉग में इतना ही, बस मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय।